बॉलीवुड ने अपना एक और होनहार एक्टर आज खो दिया है। जी हाँ, जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया है और कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा आखिर ऐसा कैसे हो गया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर 34 साल की उम्र में फांसी लगा ली। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजों को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे पर लटके पाए गए। ऐसे में जैसे ही हादसा हुआ बॉलीवुड भी सन रह गया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी इस खबर को सुनकर काफी शॉक्ड रह गए और काफी इमोशनल भी हो गए। अक्षय ने सुशांत को याद करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सुशांत को याद करते हुए लिखा, Honestly, this news has left me shocked and speechless. I remember watching Sushant Singh Rajput in Chichore and wish I been a part of it. Such a talented actor. May God give strength to his family. तमाम स्टार से लेकर आम लोग तक सुशांत के यू सुसाइड करने से काफी शॉक्ड हैं। आपको बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उनका पिछले कुछ टाइम से इलाज भी चल रहा था। सुशांत की खुदकुशी की खबर सबसे पहले उनके नौकर ने पुलिस को फोन करके दी थी। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मामले की अब जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि सुशांत अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर भी की थी। आपको बता दें कि सुशांत टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे थे। बॉलीवुड में भी उन्होंने फिल्म काय पोचे से डेब्यू किया था जो सुपरहिट फिल्म रही थी। इसके बाद उन्होंने एमएस धोनी और केदारनाथ जैसी जबरदस्त फिल्में भी की। लेकिन ये भी सच है कि ये होनहार और बेहतरीन एक्टर अब हमारे बीच नहीं हैं। हमारी तरफ से भी सुशांत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि।